प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डिफाइन एज द दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर इन वर्क इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट। कस्टमर की जो हमारी विशेष रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से हम काम को परफॉर्म करते हैं, उस अनुबंध को पूरा करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत हम उसकी लागत को निकालते हैं, उसके लाभ हानि को हम निकालते हैं, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ जनरली अप्लाइड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये जनरली अप्लाई किया जाता है जो डिफरेंट वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन है, मेनली इंजीनियरिंग है, उसमें ये काम किया जाता है, जैसे रोड बनाना है, डैम है, बिल्डिंग है, कैनाल है, रेलवे लाइंस है, ब्रिजेज है, सीवरेज सिस्टम है, किसी शहर का या किसी गांव का, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज की बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के माध्यम से हम इनकी लागत का निकालते हैं। दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति होता है जो काम को पूरा करवाता है, जो काम को पूरा करने के लिए लायबल होता है, जो काम को करने के काम को अपने हाथ में लेता है। कॉन्ट्रैक्टी होता है जिसने काम को पूरा करवाना है, जिसके लिए काम को परफॉर्म करना है, जो ओनर होता है काम का, वो जिसके लिए हमें काम करना है वो कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने अलग अलग अकाउंट बनाता है, अलग अलग हिसाब किताब उनका रखता है, ताकि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो उसको जान सके। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की उसको ज़रूरत पड़ती है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को वो अलग अलग नाम देता है, 101, 102, 103, 104, लाइक दैट, या ए बी सी या एक्स वाई जेड, कुछ भी वो अपना नाम उसको देता है, और उससे रिलेटेड एंट्रीज़ को एक जगह पे वो लिखता है। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। कुछ इसकी विशेष फीचर्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में होता है, उसके अनुसार काम किया जाता है। उसमें उसकी पेमेंट का मेथड, उसकी क्वालिटी, उसका इंस्पेक्शन, कब उसको कंप्लीट करना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, ये सब एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो काम को परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्ट जनरली लॉन्ग पीरियड का होता है, मोर देन वन ईयर, लगभग लंबे समय का ये होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अलग से अकाउंट रखते हैं, वहाँ से उसका लागत, उसका लाभ, उसका हानि को हम जानते हैं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट यूनिट के रूप में हम देखते हैं। वर्किंग प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में उसी साइट पर जहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, वहाँ पे जाके होता है जनरली। ये फैक्ट्री का वर्क नहीं है कि फैक्ट्री में आप वर्क करेंगे। जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना है, जिस व्यक्ति के लिए काम करना है, जनरली उसके स्थान पे जाकर काम को पूरा किया जाता है। हायर चार्जेस पेड फॉर द प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट specially used on the contract are charged to the contract which are they used. जिस contract के लिए heavy machines का, equipment का use किया गया है, उनका जितना use किया गया है, उसके according उस contract से उसको charge किया जाता है। Payments are received by the customer from the contractee. Contractee से उसको मिलती हैं, जितना work वो certified करता है, उस work certified के बेस पर उसको काम मिलता है। उसका supervisor, उसका engineer या architect, जितने काम को वो complete करता है, उसके बेस पर उसको payment receive होती है। फिर आता है types of contract। Contract कितने प्रकार का होता है? Contract generally तीन प्रकार का होता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है वो बोथ द पार्टीज़ के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। उस फिक्स प्राइस पर ही काम किया जाता है, काम को पूरा किया जाता है। जैसे
कोई रोड बनाना है, उस रोड बनाने का बोल दिया कि 2 करोड़ रुपए में वो रोड बनाना है, तो वो फिक्स हो गया उसका प्राइस, चाहे लागत कितनी भी आए वो 2 करोड़ रुपीज़ में उसको कंप्लीट करना है। दूसरा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ये एग्री हो जाते हैं कि वो जो भी लागत आएगी उस लागत में एक निर्धारित प्रतिशत से, वो पहले से एग्री हो जाते हैं उस परसेंटेज से, उसमें वो प्रॉफिट को ऐड करके उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करते हैं। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एक्सीलेशन क्लॉज। एक्सीलेशन क्लॉज क्या होता है? एक्सीलेशन क्लॉज कुछ हमारी अनफोर्सीन कॉस्ट होती है, अनफोर्सीन लागतें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कई बार मटेरियल का रेट बढ़ गया, वेजेस का रेट बढ़ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को, अगर उनकी कीमत एक सर्टेन लिमिट के बाद भी इंक्रीज़ हो जाती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या रेट रहेगा ये हमें अनुमान नहीं होता। जब इन्फ्लेशन जनरली चल रहा होता है या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की संभावना होती है, तब उसमें चेंज आने का संभावना रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक निर्धारित प्रतिशत से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एक अमाउंट ऐड कर देते हैं उसको एक्सीलेशन। कई बार ये इंक्रीज़ के साथ साथ डिक्रीज़ का भी ऐसा प्रावधान रखा जाता है तो उसको एक्सीलेशन क्लोज बोलते हैं। हम आगे सम करेंगे तो उसमें ये आएगा भी, आपको ध्यान रखना है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एक्सीलेशन क्लोज। नेक्स्ट है हमारा वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हमारा क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड वो वर्क होता है हमारा जो एक सुपरवाइज़र, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो उस कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज़ करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कितने वर्क को अप्रूव कर देता है, वो उसको कितने से काम से सेटिस्फाइड है, कितने का उसको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देता है, वो हमारा वर्क सर्टिफाइड होता है। वो जिस काम को कहता है कि हाँ ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, अप टू स्टैंडर्ड है, अप टू क्वालिटी है जो हमारा निर्धारित हुआ था, तो हम उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। एनी पार्ट ऑफ विच सर्टिफाइड इज नॉट इशूड एंड द वर्क डन नीड सम चेंजेज और अमेंडमेंट और अल्टर, इट इज़ नोन एज द वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। उसमें से वो भाग जहाँ पर उसको कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है, उसमें कुछ चेंजेस करवाना है, कुछ उसमें अमेंडमेंट करवाना है, तो वो काम होता है हमारा नॉट सर्टिफाइड बट वर्क नॉट सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड वर्क भी उसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को जो काम उसने सर्टिफाइड कर दिया है उसके लिए, फुल जो वर्क उसने सर्टिफाइड किया वो फुल के लिए कभी भी पेमेंट नहीं करता। जैसे उसका 70%, 80%, 90% इतनी पेमेंट वो 95% कर देता है, बैलेंस को वो रिटेंशन मनी के रूप में रखता है, 30, 20, 10, 5 कितना भी वो हो सकता है, वो उनके आपस की सहमति के आधार पर निर्धारित होता है, वो पैसे को रिटेन कर सकता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ के ना चला जाए। कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसके बेस पे मनी रिसीव करता है, जो रिटेंशन मनी है वो फ्यूचर में रिसीव करेगा, जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो वो पूरा जांच परख कर वर्क को पूरे को सर्टिफाइड करके फिर उसकी पेमेंट कर देता है। और जो वर्क वो रिटेंशन में रखता है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर प्रेशर करता है कि वो काम को शेड्यूल टाइम पे, जो उन्होंने निर्धारित समय दिया उस टाइम पर पूरा करे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, क्वालिटी में कोई खामी ना हो, और अगर बाद में उसको कोई रेक्टिफिकेशन भी करनी पड़े तो वो उसको रेक्टिफाई कर दे बिना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए, इसलिए उस पैसे को वो रिटेन करके रखता है।
वर्क सर्टिफाइड केवल सेलिंग प्राइस पे किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल, वर्क सर्टिफाइड द सुपरवाइजर इज 3 लाख एंड द पेमेंट इज मेड टू 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, देन रिटेंशन मनी विल बी 60,000। 3 लाख उसने किया, 3 लाख का 80% हो गया 3 लाख का किया, 80% पेमेंट कर दी उसने, 2,80,000 सॉरी 3 लाख का 80%, 2,40,000 उसने पेमेंट कर दी, तो 60,000 अमाउंट उसने रिटेन की, 20% उसने रिटेन करके रखी। कैश 100 रिसीव विल बी 240 एंड द हेंस रिटेंशन मनी विल बी 60,000 रुपीज़ उसका रिटेंशन मनी होगा। नेक्स्ट है फिर वर्क अनसर्टिफाइड। ये वो वर्क होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के, जो कॉन्ट्रैक्टी के सुपरवाइजर के द्वारा, उसके इंजीनियर के द्वारा, उसके आर्किटेक्ट के द्वारा सर्टिफाइड नहीं किया गया है। जिस वर्क को कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो वर्क अनसर्टिफाइड होता है। कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है, ना अप टू मार्क है, या वो अभी नियर टू फिनिश है, या सम मॉडिफिकेशन जहाँ रिक्वायर्ड है और जो सुपरवाइज़र के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा पास नहीं किया गया है, वो वर्क अनसर्टिफाइड होता है, या इसको वर्क नॉट सर्टिफाइड भी बोलते हैं। इस वर्क अनसर्टिफाइड को हम अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो उसकी लागत मूल्य होता है, जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, उस पे ट्रीट किया जाता है। जब हम अकाउंटिंग में इसके लिए एंट्री करते हैं तो वो उस कॉस्ट पर होती है जो उसका एक्चुअल में लागत मूल्य है। वो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट हैं। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं और ऐसे साइड में बैलेंस शीट के अंडर हेडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इनको शो किया जाता है। कुछ अदर टर्म होती है, जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसमें से किसी एक पार्ट के लिए आगे किसी अन्य व्यक्ति को काम पूरा करने के लिए ठेका दे दिया। जैसे एक बिल्डिंग बनाने का आपने ठेका लिया, उसमें से उसका जो प्लम्बिंग का काम था वो आपने आगे अलग किसी प्लम्बर को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, तो वो फिर सब कॉन्ट्रैक्ट रहा। आपने तो कम्प्लीट लिया, उसमें प्लम्बिंग का भी करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी करवाना है, उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है। अब आपने प्लम्बिंग का आगे किसी प्लम्बर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की लागत में इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कैसे हम इसको बनाते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, डेबिट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इंक्लूड बोथ पार्ट, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड, वो दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। प्रॉफिट इन रिजर्व इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारा अकाउंट होता है उसमें प्रॉफिट जो हम रिजर्व में रखते हैं उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट की। बैलेंस जो होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में हम शो करते हैं। तो जैसे एक इमेजिनरी फिगर से समझाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में 3 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड था, 40,000 का अनसर्टिफाइड था, ये डेबिट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के। प्रॉफिट हमने रिजर्व में रखा 20,600, बाकी हमारा जो बैलेंस आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस का 3,19,400 हमारा बैलेंस आएगा। द कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट विच शो क्रेडिट बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये इसमें से डिडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस में से हम उसको डिडक्ट करके बैलेंस शीट में ऐसे साइड में ही शो करते हैं। एक और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारा प्रॉफिट, हम कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक साल में कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे किस आधार पर हम उसको लेते हैं।
जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकलता है वो हमारा नोटिशनल प्रॉफिट होता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो डिफरेंस है वो हमारा नोटिशनल प्रॉफिट होता है। नोटिशनल प्रॉफिट को हम कंप्लीट को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाते, कुछ परिस्थितियों में हम उसको लेके जाते हैं, कुछ में नहीं लेके जाते। तो कब हमें वो लेके जाना है, कितना प्रपोर्शन हमें उसका रिटेन करना है, कितना हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे हमें उस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के लेके जाना है। प्रॉफिट शुड बी कंसिडर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओनली, कि कितना वर्क हमारा सर्टिफाइड हुआ है उसके बेस पे हम प्रॉफिट को लेके जाते हैं, और जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम उसको लेते हैं। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, तो हम उस कंप्लीट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1/4 वैल्यू से कम है तो हम कोई भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का 1/4 यानी कि 25% वर्क से ज़्यादा हो गया है तभी हम प्रॉफिट को लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर 1/4 25% से लेस है तो हम सारे के सारे प्रॉफिट को अपने रिजर्व प्रॉफिट के रूप में रखते हैं। यदि हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा 1/4 से ज़्यादा है और 50% से कम 50% 1/2 से कम है तो हम नोटेशनल प्रॉफिट का 1/3 कैश बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। जैसे हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% और 50% के बीच में है, नोटेशनल प्रॉफिट हमारा 51,000 है तो उसका 1/3 17,000 हो गया। अब 17,000 में फिर कैश बेसिस पर, अब वर्क सर्टिफाइड 51 है और उसने माना कि 90% उसने पेमेंट की है तो 17,000 का 90% 13,600 को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझाया भी है, 4,00,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, नोटेशनल प्रॉफिट 42,00,000 है, वर्क सर्टिफाइड 1,00,000 है, 20,000 अनसर्टिफाइड वर्क है, कैश रिसीव्ड 80% वर्क सर्टिफाइड का है, प्रॉफिट एंड लॉस में 1/3 प्रॉफिट जाएगा। हमारा 42,000 प्रॉफिट है, 42,000 का 80% 33,600 प्रॉफिट हमें टोटल रिसीव हुआ है, उसका 1/3 11,200 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बाकी हमारा 33,600 का 2/3 22,400 ये प्रॉफिट हमारा रिजर्व में रखेंगे। हमें प्रॉफिट कितना नहीं मिला है, 42,000 था, 11,200 हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, 22,400 हमने रिजर्व में रखा, तो 8,400 रुपये हमारे प्रॉफिट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। वर्क सर्टिफाइड हमारा 1/2 से ज़्यादा है, हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 से ज़्यादा है तो हम 2/3 प्रॉफिट को कैश बेसिस पर ले जाते हैं। जैसे इसी में किया कि नोटेशनल प्रॉफिट का 1/3 किया था, यहाँ पे हम करेंगे 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड की जो परसेंटेज है वो कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड भी हम करेंगे। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कंप्लीशन पे है कि भाई हम एस्टीमेट कर सकते हैं कि हमारा नियर टू कंप्लीट है तो कितनी कोर लागत हमारी आनी है, तो हम एस्टीमेटेड उसकी लागत को निकाल लेंगे, उसकी कॉस्ट को निकाल लेंगे, टोटल एस्टीमेशन कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट, वो कंप्लीट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैश बेसिस पर लेके जाते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करते हैं। अगर हमारी कोई लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग वेजेज है, एक्सपेंस है या प्रॉफिट लॉस में जो आया है उसको हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में। प्रॉफिट हमारा आया है उसमें से हम कोई हमारा मटेरियल लॉस है या अन्य लॉस है उसको लेस कर देंगे। मटेरियल एट साइट है, प्लांट एट साइट है या अदर कुछ बचा हुआ है
या हमारी प्री पेड वेजेज है या कोई प्री पेड एक्सपेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो हम उसको एसेस्ट में दिखाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड दोनों दिखाते हैं। कितना प्रॉफिट हमने रिजर्व में रखा है उसको लेस कर देते हैं, कितना कैश हमने उसमें से मिल चुका है उसको लेस करके जो पेमेंट हमारी लेनी बाकी रहती है वो आ जाती है। इसको हम इस प्रकार से बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बड़ा ही सिंपल है, डबल एंट्री सिस्टम पर इसको बनाते हैं। जिससे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लागत इंक्रीज हो जाती है, जिससे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है, उन सभी आइटम्स को, मटेरियल एट साइट है, मटेरियल इशू किया, मटेरियल परचेज किया, प्लांट परचेज किया, कोई अन्य डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसको हम डेबिट में करते हैं। जिससे हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लागत कम हो जाती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं। कितना मटेरियल हमने रिटर्न किया, प्लांट रिटर्न किया, कितना प्लांट बचा हुआ है, कितना मटेरियल बचा हुआ है, या अन्य कोई सामग्री बची हुई है, किसी प्लांट को हमने सेल कर दिया था वो हमारा यूज़ हो गया, उसके बाद हमने सेल कर दिया उसका प्रॉफिट लॉस है वो भी वहीं एडजस्ट करते हैं। कितना हमने कॉन्ट्रैक्ट से लेना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, या कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसकी क्या कीमत है, वो हम सब डाल देते हैं क्रेडिट साइड में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को ये बताता है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आता है, उसके बेस पर हम प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं। इनकम्प्लीट के लिए हम क्या निकालेंगे, नोटेशनल प्रॉफिट आ जाएगा इसी प्रकार से। उसका फिर जो हमने पीछे अभी समझा कि कितना प्रॉफिट लेके जाना है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, बाकी हमारा रिजर्व प्रॉफिट के रूप में रह जाएगा। तो कल से हम नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इनके समों को करते हैं। थैंक यू।